सो गाइस, आज के टाइम पे ऐसा हो गया है ना कि जितने लोग व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, मोस्टली कहीं बाहर जाना हो गया तो लोग कैमरा वगैरह कैरी नहीं करते, बोलते चुपचाप भाई आईफोन से व्लॉग कर दो, छोटा रहता है, जेब में रहता है, टेंशन नहीं रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सोनी वाला जो आईफोन की व्लॉगिंग है उसको किल करना चाहता है, क्योंकि उन लोग ने लॉन्च कर दिया है ये सोनी का ZV-1F एंड ये एक काफ़ी बजट फ्रेंडली कैमरा है जो प्रॉपर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में आता है, 1 इंच सेंसर के साथ में। देखते हैं कैसा है, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी फिलहाल आप लोग सोच रहे होगे ऐसा कैसा अजीब सा सेटअप पे तो शूट कर रहा है, लाइटिंग वगैरह नहीं अच्छी, तो हाँ बेसिकली ये मैं आईफोन के कैमरे से शूट कर रहा हूँ। लेट्स सी। सो गाइस, अभी मैंने स्विच कर लिया है इस सोनी ZV-1F पे। सो कितना बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस आता है आप लोग देख लो क्वालिटी के अंदर जस्ट एक सिर्फ स्विच करने से। और ये जो आईफोन है ये 1,40,000 रुपये का है, ये जो कैमरा है ये 45,000 रुपये का है, तो मतलब प्राइस में आप लोग डिफरेंस देखो। तो इसके वजह से मैंने कहा कि सोनी प्लान कर रहा है आईफोन की छुट्टी करने के लिए, तो देखते हैं कैसा प्रोडक्ट है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ स्टूडियो में। तो ही वो तो गाइस, वन इज ज़हीर एंड दिस इज द सोनी ZV-1F अनबॉक्सिंग एंड ऑल द फीचर्स अबाउट दिस कैमरा, सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, ये है वो दोनों बॉक्सेस सोनी की तरफ से आए हुए। एक हमको यहाँ पर कैमरे का बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसके अंदर हमको सोनी का ZV-1F देखने को मिलता है, और ये एक हैंडल है जिसकी मदद से हम व्लॉगिंग वगैरह कर सकते हैं। इसको सोनी शूटिंग ग्रिप कहते हैं विद वायरलेस रिमोट। बेसिकली आप ब्लूटूथ से अपने कैमरे को इससे कनेक्ट कर सकते हो, इसके अंदर जो बटन है उससे आप अपने कैमरे को कंट्रोल कर सकते हो। सोनी का कैमरा 2 ईयर्स की वारंटी के साथ में हमको देखने को मिल जाता है। लेट्स ओपन दिस। ओके, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड ही देखने को मिल जाता है, तो अंदर हमको कुछ एक्स्ट्रा पेपर वर्क देखने को मिल जाते हैं हमको यहाँ पर। तो भाई अंदर हमको ओपन लूजली एक USB Type-A to Type-C केबल देखने को मिलती है, एंड यहाँ पर आई गेस बेसिकली ये डेड कैट बोलते ना जो हवा को आने से थोड़ा रोकता है, वो है बेसिकली। अब हम मेन प्रोडक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। ओ भाई, दिस इज सो कॉम्पैक्ट, इट इज इवन स्मॉलर देन माय ZV-E10 बेसिकली। ओ वाओ, है तो प्लास्टिक का ही बट क्वालिटी सीम्स वेरी नाइस। काफी ज्यादा छोटा है यार। ओ, ज़ाइस F2 से F7.6 की आई गेस इसकी रेटिंग है, एंड ये फिक्स्ड लेंस है। ओके, एंड ये हमको फुल आर्टिकुलेटिंग टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमको बैटरी देखने को मिलती है। ओ भाई, ये तो काफी छोटी है बैटरी। ओ वाओ, लेट्स क्विकली इंसर्ट द बैटरी। अच्छा, यहाँ पर ही हमको मेमोरी कार्ड लगाने का भी जगह देखने को मिल जाता है। ये लग गई बैटरी। पहले तो हम एक छोटा सा फिजिकल ओवरव्यू ले लें। इस साइड में हमको कोई भी पोर्ट देखने को मिलता है, इधर हमको एक कोल्ड शू माउंट देखने को मिलता है माइक्रोफोन का, हमको इधर पे परफोरेशन देखने को मिल जाता है, ऑन ऑफ स्विच है। उसके बाद हमको यहाँ पर जो मोड स्विच करने का ऑप्शन आता है फोटो वीडियो एंड SNQ में जाने के लिए। इधर पे बैकग्राउंड डिफोकस C1 बटन है बेसिकली कस्टम वन। इधर पे हमको वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन देखने को मिलता है, वाइड एंगल एंड टेलीफोटो का रॉकर देखने को मिलता है, एंड इसी में शटर बटन भी देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर हमको फंक्शन बटन, मेन्यू बटन, ये हमको रोलर देखने को मिल जाता है, बीच में बटन है, यहाँ पर डिलीट बटन एंड रिव्यू बटन। इस साइड की बात करूं तो यहां पर हमको वेरी नाइस इसके अंदर एटलीस्ट हमको एक एक्सटर्नल माइक का पोर्ट देखने को मिलता है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी चीज है। USB Type-C पोर्ट भी देखने को मिलता है, वाओ वेरी नाइस। एंड हमको एक प्रॉपर HDMI स्लॉट भी देखने को मिलता है, इवन तो दिस इज अ माइक्रो HDMI पोर्ट, बट हमको यहां पर HDMI का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। यहां पर हमको ऑन बटन के अंदर लाइट भी देखने को मिल जाती है। ओके, सो हो चुका है कैमरा चालू, एंड फिलहाल ये है इंटेलिजेंट वीडियो मोड में। फोटो भी ले सकते हैं, JPEG फाइन फॉर्मेट हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा, जूम भी होता है, बट ये डिजिटल जूम है, 2x तक जूम कर सकता है ये कैमरा। बट आई फील ये थोड़ा जो बटन्स है इनकी टेक्टाइलिटी थोड़ी सी और बढ़ाई जा सकती थी, मतलब रोल होते टाइम तो मस्त टेक्टाइल है, लेकिन बटन दबाते टाइम तो उतने ज्यादा टेक्टाइल नहीं है। बट ये ऑटोमेटिक में शूट हो रहा है ये वाला पार्ट। वाओ, नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट, काफी सही शूट हो रहा है, F2.0 में शूट हो रहा है। कुछ इस तरह की वीडियो बना लेते हैं गाइस, डू लेट मी नो आपको कैसा लग रहा है इसका वीडियो। एंड मैं डायरेक्टली ऐसा पकड़ के ही इसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, इतना जूम इन कर सकता हूँ 1.5x, वीडियो में सिर्फ 1.5x तक जूम होता है। एंड जो प्रोडक्ट शोकेस फीचर है वो देखो किस तरह से काम करता है। अगर मैंने सामान कुछ लेके आया था फटक से तो इसके ऊपर सामान पे फोकस कर देता है। एंड अब हम बढ़ते हैं इस प्रोडक्ट की तरफ, जो है हमारा सोनी का हैंडल। ओपन ही था तो ये कुछ इस तरह का है ये प्रोडक्ट। दुनिया भर के हमको पेपर वर्क ही देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, कपड़े का अच्छा वेलवेट वाला केस भी देखने को मिल जाता है इसको कैरी करने के लिए। एंड हमको ये ग्रिप देखो भाई, ये ग्रिप सरप्राइजिंगली हैवी तो छोड़ो, काफी अच्छे क्वालिटी के ग्रिप है यार, तो डैम। और इसके अंदर मस्त एकदम लाइक रेजिस्टिव है ये, अच्छा खासा ट्राइपॉड भी है यार। ये फीचर बहुत सही लगता है, लाइक ये बटन दबाओ
एंड तुम डायरेक्टली इसको टेढ़ा कर सकते हो इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। तो बेसिकली कैमरा तुम एकदम फटाक से सेल्फी मोड और नॉर्मल मोड में डाल सकते हो। ये बटन दबा के तुम सीधा एडजस्ट भी कर सकते हो, इससे लॉक ढीला और टाइट कर सकते हो, इससे तुम जूम इन जूम आउट फोटो मूवी कस्टम लॉक कर सकते हो सारी चीज़ें। अच्छा यहाँ पर इसकी बैटरी लगेगी, इसको करके फिर ओपन करना पड़ेगा। तो हमारे को इसके साथ में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बैटरी भी देखने को मिल जाती है, लिथियम आयन बैटरी। ये तो नॉर्मल बैटरी है, कहीं पर भी आपको वॉच वगैरह के शॉप पे देखने को मिल जाएगी। प्लस फेसिंग अपवर्ड लगाना है, जो प्लस इसके अंदर प्लस का साइन दिख रहा है, इसको अपवर्ड फेसिंग में ओके वेरी इजी। एंड इसको ऐसा यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वार्टर 20 का आपको होल देखने को मिल जाता है नॉर्मल, जैसा हर कैमरे में होता है सेम। ये एक बार टाइट हो गया, अच्छा टाइट होने का थोड़ा सा वेट बढ़ गया इसका। तो गाइस एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको लेके जाता हूँ, टेस्ट करता हूँ, सारी चीजें समझता हूँ, फिर आप लोग के सामने लेके आता हूँ, बताता हूँ कैसा क्या है क्या नहीं है। सो गाइस अगर मैं आपको यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह दिखाऊं तो देखो इसके अंदर ना हम लोग 1080p में भी शूट कर सकते हैं, 4K में भी शूट कर सकते हैं, ठीक है। तो 4K के अंदर मैक्सिमम फ्रेम रेट जो है वो 30fps एंड 24fps का है, मैक्सिमम 30fps तक ही शूट कर सकते हो, अप टू 100mbps की बिट रेट के साथ में 8-bit में। एंड अगर आप लोग इसको 1080p में शूट करते हो, आप सोचो यहाँ पर देखो क्या खतरनाक, मैं आप 120fps तक के शूट कर सकते हो, दैट इज क्रेजी भाई, खतरनाक स्लो मोशन आप इसे शूट कर सकते हो। एंड यहाँ पर भी आपको 100mbps का बिट रेट देखने को मिलेगा, सो जबरदस्त है भाई। यहाँ पर SNQ में आपको मल्टीपल रिकॉर्डिंग फ्रेम रेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, 30fps पे अगर आप लोग 2 times स्लो करना चाहते हो तो कर सकते हो, अप टू 120fps तक के कर सकते हो, और 1fps पे भी कर सकते हो अगर आपको फास्ट मूविंग कुछ रिकॉर्ड करना है तो। आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे इंटेलिजेंट ऑटो है, प्रोग्राम ऑटो है, अपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी एंड देन मैनुअल मोड। तो आई प्रिफर टू शूट ऑन मैनुअल मोड, मुझे पता है, बट अगर आप लोग को ज्यादा आइडिया नहीं है ना तो आई सजेस्ट यू टू गो इंटेलिजेंट ऑटो, इसके ऊपर रख दो, बहुत सारी चीजें ये खुद से एडजस्ट करता है, जबरदस्त है। साइलेंट शटर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको ये देखने को मिलता है इमेज स्टेबिलाईजेशन का ऑप्शन। यहाँ पर आपको गाइस कलर टोन के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको क्रिएटिव लुक देखने को मिलता है, अलग अलग जैसा आपको पसंद आता है आप लोग रख सकते हो, स्टैंडर्ड ही मैं रखता हूँ यूजुअली। यहाँ पर आप लोग को सारी चीजें एडजस्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसके बाद आप लोग पिक्चर प्रोफाइल चेंज कर सकते हो उसकी, इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शन है, PP1 है, PP2, PP3, अलग अलग टाइप का पिक्चर प्रोफाइल है, तो आप लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। यहाँ पर S-Log वगैरह भी आप शूट कर सकते हो, सॉफ्ट स्क्रीन इफेक्ट देखने को मिलता है। और गाइज यहाँ पर आपको USB स्ट्रीमिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे आप लोग को पता है कि भाई यहाँ पर साइड में USB-C पोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें आप डायरेक्टली कनेक्ट करके 720p में USB स्ट्रीम कर सकते हो। बेसिकली इसको आप एज अ वेबकैम यूज कर सकते हो, इससे स्ट्रीमिंग वगैरह कर सकते हो, उसके बाद HDMI का रेजोल्यूशन भी आप अप टू 4K में आउटपुट दे सकते हो, आप लोग HDMI से कंट्रोल भी कर सकते हो, HDMI का जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे जो इन्फॉर्मेशन आता है उसको भी ऑफ कर सकते हो, जिसकी मदद से क्या क्लियर HDMI का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बहुत जबरदस्त फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको ऑटोमेटिक में शूट करना पड़ेगा, जैसे आप धीरे धीरे सीखोगे तो इसके अंदर लॉग वगैरह का फॉर्मेट आप लोग यूज करके बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीजें शूट कर सकते हो। इससे बहुत सारे फीचर्स ऐसे लगे जो बहुत मस्त है, जैसे एक फीचर तो मेरे को बहुत ही प्यारा लगता है, देखो मैंने बंद कर दिया, कैमरा बंद है, ठीक है, कैमरा इज ऑफ, बट जैसे मैंने इसको स्क्रीन को खोला एंड स्क्रीन को घुमाया, बिना बटन दबाए कैमरा ऑन हो जाता है। सो ये मेरे को बहुत बेहतरीन फीचर लगा गाइस। एंड यहाँ पर जैसे, अच्छा कैमरा अभी ऑन है, ठीक है, सो गाइस जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, जैसे मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी तो यहाँ पर साइड में देखो आपको रेड कलर का ही देखने को मिलता है, मतलब क्लियरली आपको मालूम पड़ेगा कि भाई रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं चालू है। तो ये बहुत अच्छा फीचर मेरे को देखने को मिला यहाँ पर। अच्छा एक चीज है, लेकिन जैसे ये बहुत छोटा है ना कैमरा, बड़े कैमरा कैसे होते हैं, यहाँ पर आपको ग्रिप देखने को मिलता है, पकड़ सकते हो आप लोग आसानी से हाथ में, ये थोड़ा छोटा है तो आपको पकड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसके लिए ये यूजुअली कैमरा ना ग्रिप के साथ ही यूज होता है, जो नीचे इसकी ट्राइपॉड वाली स्टिक आती है जो मैंने आपको दिखाया, उसके साथ ही यूज होगा तो बेटर होगा। ऐसे यूजुअली भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ऐसे यूज करने में फायदा क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया, लाइक कितना छोटा हो गया, इजीली आप इसको जेब में लेके कैरी कर सकते हो। मैं ओके सो गाइस ये वीडियो फ्रंट फेसिंग कैमरे से बन रही है, आईफोन के एंड ZV-1F के कैमरे से, ISO ऑटोमेटिक पे, एकदम अंधेरा है फिलहाल। सो अगर अंधेरे में आप लोग वीडियो बनाते हो तो कुछ इस तरह की वीडियो बनती है। ये दोनों भी कैमरा से देख लो गाइस, स्टेबलाइजेशन वगैरह देख लो, सारी चीज़ें समझ लो, एंड माइक का भी ऑडियो समझ लो आप लोग, इसके ऊपर डेड कैट लगा हुआ है, तो कुछ इस तरह की ब्लॉगिंग कर सकते हो आप लोग दोनों कैमरे से। अच्छा अभी जो ये वीडियो देख रहे हो आप लोग, ये आईफोन के रियर कैमरे से, आईफोन 14 प्रो के एंड इस कैमरे से है। कुछ इस तरह की वीडियो अगर आप लोग रियर कैमरे से बनाते हो तो रहेगी, अभी देखो एकदम अंधेरा है, रोड है, तो रोड पर कुछ इस तरह की वीडियोज़ आप लोग बना सकते हो अगर व्लॉग वगैरह करते हो तो। मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बात कर रहा हूँ, एकदम आराम से ही बात कर रहा हूँ, तो कुछ अगर आराम से बात करूँगा, नॉर्मल वाइट बैलेंस ऑटो पे है, ISO भी ऑटोमेटिक है, बाकी F2.0 पे शूट हो रहा है, 4K 30fps में दोनों भी कैमरे में। सो लेट मी नो गाइस किसका कैमरा आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है। सो गाइस अभी ये जो वीडियो है ये आउटडोर में मैं शूट कर रहा हूँ, मेरे आर्म्स लेंथ पे दोनों भी कैमराज हैं, कुछ इस तरह की वीडियो बन जाती है, आवाज़ भी यही दोनों फ़ोन से, फ़ोन और ये कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है। देखो पीछे सूरज है तो डायनेमिक रेंज का भी आपको आइडिया लगेगा, इसके डायनेमिक रेंज किस तरह से, डायनेमिक रेंज को हैंडल करता है। अभी देखो एक चीज़ है यहाँ पर कि भाई ISO ऑटोमेटिक पे है,
फोकसिंग नहीं कर पा रहा, दैट इज़ वियर्ड। हाँ किया तो ओके। सो कुछ इस तरह की वीडियो बनती है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ऑटोमेटिक पे डालता हूँ एक्सपोजर को। ओके गाइस, सो अभी दोनों भी कैमराज में ऑटोमेटिक पे सारी चीज़ें हैं, तो कुछ इस तरह की वीडियो बनती है जब ऑटोमेटिक में शूट करता हूँ सब कुछ। सो देख लो गाइस क्या है, आपको किस तरह का लग रहा है, एंड लेट मी नो गाइस किस में ज़्यादा बेटर लग रहा है, आईफोन में या फिर इस कैमरे में। सो या अभी इसके अंदर है ना गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर डी फोकस मोड भी है, इसको आईफोन बंद कर देता हूँ। सो अभी जैसे मैं चल रहा हूँ फिलहाल व्लॉग करते हुए, कुछ इस तरह की व्लॉगिंग हो जाती है इससे। अब इसके अंदर डी फोकस मोड जो है ना, देखो समझो ये आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा, हल्का फुल्का ब्लर्ड है ना, इसको मैंने बटन दबाया, देखो क्लियर हो गया बैकग्राउंड, फिर से दबाया एंड डी फोकस मोड ऑन हो गया, फिर से दबाया क्लियर हो गया, फिर से दबाया डी फोकस मोड। तो कुछ इस तरह से भाई, मतलब ये पूरा बैकग्राउंड को ब्लर करने की कैपेबिलिटी रखता है। एंड या देख लो गाइस, ये इंटेलिजेंट ऑटो पे है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली काम कर रही है। आई गेस वाइट बैलेंस भी ऑटोमेटिक पे ही है, आई होप सो। तो अगर आप लोग अंधेरे में व्लॉग करते हो तो कुछ इस तरह से व्लॉग कर सकते हो, अंधेरे में भी फोकसिंग जो है ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं खाली फोकसिंग का टेस्ट दिखाऊं तो अंधेरे में तो देखो कुछ इस तरह का फोकसिंग कर देता है। जूम वगैरह करना है तो आप लोग इससे ज़्यादा जूम कर सकते हो। सो गाइस अभी मैंने पूरा अपना हाथ खोल के रखा है एंड जो स्टेबलाइजेशन है वो ऑफ है, तो विदाउट स्टेबलाइजेशन देख लो किस तरह की वीडियो बनाता है ये। इसके अंदर है ना मैं स्टेबलाइजेशन को ऑन करता हूँ। सो गाइस अभी जो आप लोग दिख रहे हो ये पूरा हाथ मैंने खोल रखा है, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा क्रॉप हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ तो मैं बोलूँगा कि स्टेबलाइज तो हो गई है, वैसे इसके अंदर OIS नहीं है, मतलब लेंस में स्टेबलाइजेशन नहीं है, ना ही सेंसर में है, खाली ये डिजिटली स्टेबलाइज करता है क्रॉप करके, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन है। यहाँ से मैं जूम भी कर सकता हूँ हल्का हल्का, यहाँ तक के ना क्लियर जूम है जो इसका क्लियर जूम आता है सोनी का, एंड उसके बाद डिजिटल जूम होने लगता है। तो अब ये डिजिटल जूम है अप टू 4x। ओके गाइस, तो अभी देखो प्रोडक्ट शोकेस मैंने ऑन किया एंड ये करते ही देखो फोकसिंग देखो। ओके गाइस, तो अभी देखो मेरे पीछे सॉफ्ट बॉक्स है एंड सॉफ्ट बॉक्स के अंदर मैं अगर वीडियो बनाता हूँ, अच्छी लाइटिंग होती है बेसिकली, तब किस तरह की वीडियो बना लेता है देख लो। अब यहाँ पर एकदम ऊपर जस्ट मेरे ऊपर ही यहाँ पर फ़ैन लगा हुआ है जो अपनी फुल रफ्तार में चल रहा है, जिसके बाद ऑडियो आपको समझ में आएगी कि भाई जो डेड कैट है इसकी हेल्प से आप लोग कितनी ऑडियो को कट कर सकते हो। अच्छा मैं आपको डेड कैट का फ़ायदा दिखाता हूँ, देखो अभी हवा चल रही है, मस्त आवाज़ आ रही होगी आपको, लेकिन मैं डेड कैट निकालता हूँ। तो देखो डेड कैट मैंने निकाल दिया है। अब डेड कैट निकालने के बाद में आपको आइडिया लग रहा होगा कि भाई डेड कैट लगाने से फ़ायदा होता है या नहीं होता है जब आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो। तो मैं वापस ला देता हूँ डेड कैट। सो इंडोर में कुछ इस तरह की बनती है वीडियो। अच्छा अभी जो उसका सॉफ्ट स्क्रीन वाला ऑप्शन है उसमें तीन ऑप्शन दिखने को मिलता है, मीडियम हाई एंड लो का। अभी ये जो है ये हाई पे है, तो देखो आप लोग यहाँ पर चिकनाहट आ गई है चेहरे के ऊपर। डू लेट मी नो गाइस कैसा लग रहा है, अब इसको मैं मीडियम पे रखता हूँ एक बार। सो गाइस अभी आप लोग जो देख रहे हो, अभी ये जो सॉफ्ट स्किन इफेक्ट है उसको मीडियम पे रख दिया है मैंने, तो जो चेहरे पे हल्के फुल्के ब्लेमिशेस हैं, चेहरे पे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो छुप जाती हैं। तो कुछ इस तरह का वीडियो बन जाता है अगर आप लोग इससे व्लॉग करते हो, तो बेसिकली आपको ब्यूटी मोड इसके अंदर देखने को मिलता है बिल्ट इन। वैसे इसके अंदर आप लोग फोटो भी ले सकते हो, हालांकि रॉ फोटो लेने का ऑप्शन हमको देखने को नहीं मिलता है इसके अंदर, नॉर्मल जेपेग में फ़ोटो आप लेते हो। अब ये कुछ सैंपल्स भी है जेपेग की, देख लो गाइस एंड लेट मी नो आपको कैसा लगा ये जो फ़ोटो की क्वालिटी है वो। ओके गाइस, सो इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये कैमरा चेकआउट करना, वैसे तो मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगा ये कैमरा, जो प्राइस में आ रहा है वो प्राइस में डेफिनेटली वन ऑफ़ द बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा है। आई मीन इतना छोटा, इतना कॉम्पैक्ट है, इजीली कहीं पे भी आप लोग कैरी कर सकते हो, बैटरी लाइफ भी काफ़ी ज़बरदस्त है। डेढ़ घंटे की मैंने 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखी है, इसके अंदर डेढ़ घंटा तक कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि मेरे को काफ़ी ज़बरदस्त लगा। सो ओवरऑल कॉम्पैक्ट 4K 1 इंच सेंसर के साथ में कैमरा आता है, अच्छी खासी फोटोज़ भी लेता है, मुझे तो मज़ा आया भाई। आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, यहाँ मैं कॉर्नर में जो व्यू प्रोडक्ट है उस पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा। बाकी इतना ही था वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस, एंड ये कैजुअल रॉ टाइप की वीडियो अच्छी लगी होगी, प्रॉपर लाइटिंग वाइटिंग के साथ में मैंने नहीं बनाया, पंखा भी चालू है ताकि आप लोग को प्रॉपर आइडिया लग सके भाई कि नॉर्मली कैजुअल इन्वायरमेंट में आप लोग व्लॉग करते हो तो किस तरह की व्लॉगिंग इससे कर सकते हो आप लोग। बाकी इतना ही था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।